हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी स्मार्ट वॉच का सीजन चल रहा है तो बोट ने अपनी न्यू स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है जिसका नाम है वॉच एक्सप्लोरर। आज मैं इस वॉच का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। इस स्मार्ट वॉच की प्राइस 2,999 मतलब 3,000 रुपीज से। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये स्मार्ट वॉच परचेस करना है लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपको बिल्ट इन GPS, 5 ATM मीटिंग एंड मल्टीपल स्पॉट्स मोड मिल जाएंगे, जैसे आपको बहुत सारे फीचर मिलने वाले हैं जिसको हम पूरा इस वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को आप लाइक करना। और मैं इस तरह से न्यू फोन लॉन्च के बारे में, न्यू गैजेट के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजिकल अपडेट के बारे में वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको इन सब वीडियो में इंटरेस्ट है आप मेरे को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और ये स्मार्ट वॉच आप में से किसी का होने वाला है उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में कमेंट करना है स्मार्ट वॉच के सबसे बेस्ट फीचर्स के बारे में। और आप अपना मेल आईडी मेंशन करना मत भूलना सो मैं आपको कॉन्टेक्ट कर पाऊँ। और जैसे इस चैनल पर 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा मैं विनर का अनाउंस कर दूंगा। सो आप थोड़ा अपडेट रहना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ बोट वॉच एक्सप्लोरर। ये रहा बोट वॉच एक्सप्लोरर का बॉक्स है। फ्रंट साइड में आपको बोट की ब्रांडिंग मिलती है, बाजू में इसका मॉडल नेम आपको मिल जाएगा, बैक साइड में आपको इस वॉच के सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको हम पूरा चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है वारंटी कार्ड जिसमें आपको 1 ईयर के लिए वारंटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको मिलता है यूजर मैनुअल। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया आपको मैनुअल की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको मिलता है बूट का प्रोडक्ट कैटलॉग जिसमें आपको बूट के सारे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, सिंपली आप इस तरह से अटैच करके आप स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा वो कन्वीनियंट फीचर आपको मिल जाएगा। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट बोट वॉच एक्सप्लोरर जो आपको 3 कलर में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू एंड ग्रे। मैंने इसको आपके लिए ब्लू कलर में ऑर्डर कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस स्मार्ट वॉच का वेट 39 ग्राम है जो काफ़ी लाइट वेट है, इसको आराम से 24/7 यूज़ कर सकते हो। राइट साइड में आपको एक पावर बटन मिल जाएगा, बैक साइड में आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, ऊपर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। स्मार्ट वॉच में आपको SPD2 सेंसर नहीं मिलता है जो इस स्मार्ट वॉच का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया है, यहाँ पे पूरी आपको मेटल बॉडी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन वाला आपको सिलिकॉन स्ट्रैप मिल जाए जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है, आपके स्किन के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा, काफ़ी स्किन फ्रेंडली मटेरियल का आपको मिल जाता है। और बहुत ही सिंपली आप ये वाइस टायर को इस तरह स्लाइड करके इसको आप रिमूव एंड अटैच कर सकते हो, इस तरह से काफ़ी इजीली रिमूव एंड अटैच इस तरह से हो जाएगा। सो ओवरऑल काफ़ी आपको गुड लुकिंग एंड प्रीमियम डिजाइन में आपको ये स्मार्ट वॉच मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। फर्स्ट टाइम अपनी स्मार्ट वॉच को ऑन करने के लिए आपको इसको थोड़ी देर के लिए चार्जिंग में रखना है, वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। सबसे पहले अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में बोट प्रो गियर ऐप को डाउनलोड करना है जो आपको एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पर सिंपली से स्वाइप कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको उसके बाद अपने फ़ोन का ब्लूटूथ को ऑन कर देना है, अभी जो ऑन ही है। बाद में आपको यूज़ नाउ पे क्लिक करना है, सर्चिंग डिवाइस पे क्लिक करना है, आ गया बोट एक्सप्लोरर, सिंपली आपको क्लिक कर देना है, कन्फर्म ये रहा क्लिक कर देना है, बाइंडिंग स्टार्ट हो गया। देखो वॉच अभी कनेक्ट हो गई, आपको सारे स्टेप को फॉलो कर लेना है इस तरह से, अभी सामने कर लेता हूँ। सो बहुत ही फास्ट आप अपनी वॉच को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आपको 1.3 इंच फुल टच कंट्रोल 2.5D डिस्प्ले मिलती है जिसमें काफ़ी अच्छा आपको टच रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बहुत ही आराम से आप डिफरेंट मेन्यू में नेविगेट कर पाओगे। अगर बात करें ब्राइटनेस के बारे में, सिंपली आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे क्लिक करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आपको 3 लेवल ब्राइटनेस एडजस्टमेंट मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है, इसको आप डायरेक्शन लाइन में बहुत ही आराम से यूज़ कर पाओगे जो काफ़ी अच्छा आपको ब्राइट एंड वाइब्रेंट डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी के बारे में, स्मार्ट वॉच के अंदर आपको 210 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया, इसको फुल चार्ज करने के मिनिमम आपको 2 घंटे का टाइम लगता है। और एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये स्मार्ट वॉच आपको मैक्सिमम 8 से 10 दिन का आपको बैटरी प्रोवाइड करती है। अगर इसको नॉर्मल यूज करते हो तो अगर इसको आप फुल फीचर से यूज करोगे तो भी आपको मिनिमम 6 से 7 दिन आपको बैटरी प्रोवाइड कर देगी। सो मुझे ऐसा लगता है आपको इस स्मार्ट वॉच में बैटरी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
अभी बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस एंड सारे फीचर्स के बारे में। सिंपली आप इस बटन में क्लिक करके अपनी स्मार्ट वॉच को ऑन या ऑफ कर पाओगे। यहाँ पे आप ऊपर से स्वाइप करके सारा आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से बैक आ सकते हो। यहाँ पे आप राइट स्वाइप करके सारे आपको शॉर्टकट मेनू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके भी सारे फीचर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटर भी ऑफ हो गया, फिर से क्लिक करके सारा ये एनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप इस बटन में क्लिक करके फाइंड माय फोन को ऑप्शन सिंपली यहाँ पे क्लिक करते ही आपके फोन में अलार्म सेट हो जाएगा। सो बहुत ही आराम से आप अपने फोन को फाइंड कर सकते हो, जो काफ़ी एक अच्छा विचार। इसको भी मैं ऑफ कर रहा हूँ, फिर से मैं बैक कर रहा हूँ। सिंपली आप यहाँ पे टच एंड होल्ड करके अपने वॉच फेस को चेंज कर पाओगे इस तरह से। यहाँ पे आपको तीन वॉच फेसेस मिल जाएंगे। सबसे अच्छा वाला मुझे ये लगा, इसको मैं भी सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली लेफ्ट से आपको पूरा आपको डिफरेंट यहाँ पे आपको मेनू मिल जाएगा। ये आपका मेन मेनू है। सबसे पहले आपको मिलता है स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे आपको 8 स्पॉट मोड मिल जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है आउटडोर रन इंडोर, जैसे आपको 8 स्पॉट मोड मिल जाएंगे। और यहाँ सिंपली आप एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे मोर पे क्लिक करके यहाँ पे स्पॉट मोड को ऐड या रिमूव कर सकते हो इस तरह से। अभी ये 8 मोड आपको स्मार्ट वॉच में मिल जाएंगे। सिंपली आप यहाँ से आप माइनस पे क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे क्लिक करके आप फिर से इसको ऐड कर सकते हो। काफ़ी एक अच्छा फीचर है। इसको फिर से हम आ गए। यहाँ पर सिंपली आप ओपन वाटर स्विमिंग में अभी क्लिक करके अपने वॉच स्पॉट मोड को ऑन कर पाओगे। देखो अभी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर सारा आपका डेटा रिकॉर्ड होता रहेगा। अभी इसको चलो इसको ऑफ कर लेता हूँ। लॉन्ग प्रेस बटन टू एंड, लॉन्ग प्रेस करते आपका स्पॉट मोड ऑफ हो जाएगा। सो इस तरह से आपने स्पॉट मोड को यूज़ कर पाओगे। इसको मैं फिर से बैक कर रहा हूँ। बाद में को मिलता है हार्ट रेट सिस्टम, इसको मैं अभी क्लिक कर देते हैं। मेजर होना स्टार्ट हो गया। देखो अभी मैं शो कर रहा है 98, जो काफ़ी एक एवरेज है। काफ़ी आपको एक्यूरेट यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे मैं रेस्टिंग पोजीशन में यहाँ पे शो कर रहा है। अभी इसको मैं फिर से बैक कर रहा हूँ। नीचे आपको मिलता है रिलैक्स मोड, जो भी काफ़ी अच्छा है। बैक कर रहा हूँ। नीचे आपको अलार्म के लिए सारा को यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाएगा, आप अपने अलार्म सेट कर सकते हो। नीचे आपको मिलता है म्यूज़िक कंट्रोल, यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाएगा, जो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप अपने फोन के वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, अपने सॉन्ग को स्टार्ट या स्टॉप कर पाओगे, जो आपको सभी स्मार्ट वॉच अभी मिल ही जाता है। अभी इसको मैं बैक कर रहा हूँ। बाजू में आपको मिलता है टाइमर का ऑप्शन, मिलता है वेदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो अभी वेदर शो कर रहा है, अभी फारेनहाइट में शो कर रहा है। बैक कराओ, यहाँ पे वेदर फोरकास्ट मिल जाएगा, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। और नीचे आपको मिलता है सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने डायल के वॉच को चेंज कर सकते हो इस तरह से। अभी यहाँ से बैक कराओ, अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। अबाउट के बारे में आपको मिल जाएगा सर, आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे आपको शटडाउन के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, जो काफ़ी अच्छा आपको ईजी एंड क्विक कंट्रोल सारा आपको वॉच में मिल जाता है। और इस स्मार्ट वॉच में आपको 5 एटीएम रेटिंग मिलती है। इसका मतलब आप इस स्मार्ट वॉच को लेकर 50 मीटर डीप वाटर में जा सकते हो, आपका स्मार्ट वॉच बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सो आप इस स्मार्ट वॉच को लेकर स्विमिंग बहुत ही आराम से कर पाओगे। सो भी आपको बोट वॉच एक्सप्लोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। काफी अच्छी स्मार्ट वॉच है, पर इसमें आपको एक्सप्लोर सेंसर नहीं मिलता है। आई डोंट नो बोट ने इस बार क्यों इसमें ऐड नहीं किया है। बाकी स्मार्ट वॉच बहुत ही बढ़िया है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको ये स्मार्ट वॉच पसंद आती है, आपको परचेस करना है, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को आप लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइब कर लिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।